हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। तो आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूं वो आप सभी के लिए है शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड। लास्ट जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें आपके 2 चैप्टर्स एंड 1 यूनिट कम्प्लीट हो चुके हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर आपका राजस्थान और आपका पहाड़ी है सेकेंड चैप्टर। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं, हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और सेकंड जो यूनिट है उसमें है आपका मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू जोत्सन आर्ट स्टूडियो। एंड स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब इसलिए करें क्योंकि जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ वो आपके पास में इजीली आप तक पहुँच जाए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टार्ट करते हैं आज। नेक्स्ट आपका सेकंड है यूनिट मुगल स्कूल ऑफ आर्ट। आपका इसके चैप्टर में आपके जो क्वेश्चंस हैं, टाइटल, ये पेंटिंग्स के नेम आपको लर्न करने हैं। 5 पेंटिंग्स के नेम पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में, जो 15 मार्क्स का होते हैं। 5 आर्टिस्ट नेम आपको लर्न करने हैं और 5 सब स्कूल। जैसे सब स्कूल्स मैंने आपको पहले बताया था लास्ट वीडियो में कि जो सिटीज़ नेम होते हैं उनमें अगर आर्ट वर्क हो रहा है तो वो आपके सब स्कूल में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर तो मुगल स्कूल में आर्ट वर्क जो हुआ है वो एक ही जगह पर हुआ है, लेकिन जो इसके राज किंग्स हैं वो चेंज हुए हैं। तो जो सब स्कूल माना जाएगा वो किंग्स के अकॉर्डिंग माना जाएगा, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन 3 के अकॉर्डिंग आपके सब स्कूल इसमें 3 हैं। तो वेरी शॉर्ट में बोर्ड में इसके सब स्कूल्स कम पूछे जाते हैं, जो आर्टिस्ट ज़्यादा पूछे जाते हैं और पेंटिंग्स नेम पूछे जाते हैं। सब स्कूल आपको 3 ही लर्न करने हैं इसमें। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग होती है वो आपकी कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, फल्गुन ने बर्ड रेस्ट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटिंग होती है, और कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटर है वो आपका मिस्किन है, मिस्किन मंसूर। मंसूर के बारे में पूछ लिया जाता है कि कौन सा ऐसा पेंटर है जो आप बर्ड और एनिमल्स को बर्ड एंड एनिमल्स की पेंटिंग करता था, तो उसका आंसर रहेगा आपका उस्ताद मंसूर, जो किस पीरियड का था, जहांगीर पीरियड का, क्योंकि जहांगीर ऐसा राजा था जो बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड नेचर वगैरह से ज़्यादा मतलब ज़्यादा लव करता था। तो जहांगीर आपका इसका आंसर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ऐसा आंसर। इसमें आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपके एसे से रिलेटेड है। एसे में एक सेंटेंस आता है उसमें उससे एक क्वेश्चन बन जाता है, विच आर्टिस्ट ऑफ द मुगल स्कूल वॉज नोन एज ए रेफेल ऑफ द ईस्ट। तो उसका आंसर इन यहाँ नहीं मिलेगा आपको, वो ऐसे में पढ़ना होगा। तो उसका आंसर है आपका बिहजाद। बिहजाद एक ऐसा आर्टिस्ट था जो आपका ईरान से आया था और इसको रेफेल ऑफ द ईस्ट कहा है, मतलब पूर्व का रेफेल। रेफेल एक वेस्टर्न आर्टिस्ट का नाम है, वो वेस्टर्न का आर्टिस्ट था रेफेल, ऐसे ही पूर्व का आर्टिस्ट बिहजाद को बोला गया है, तो इसलिए इसे रेफेल से इसकी तुलना की गई है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, विच न्यू रिलीजन वॉज स्टार्टेड बाय अकबर। तो कौन सा ऐसा रिलीजन था जो अकबर ने स्टार्ट किया था, नया रिलीजन, नया धर्म था वो, तो उसका आपका आंसर आता है दीन ए इलाही। दीन ए इलाही इसका अकबर का चलाया हुआ एक नया रिलीजन था। वेरी शॉर्ट्स में आपसे मैन्यूस्क्रिप्ट नेम भी पूछ लिए जाते हैं कि राइट डाउन एनी 5 मैन्यूस्क्रिप्ट नेम। तो उसमें आपके जो एसे के अंदर, ये मुगल स्कूल का एसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मुगल स्कूल, राजस्थान स्कूल का एसे, मुगल स्कूल के एसे में 5 मैन्यूस्क्रिप्ट नेम आपको लर्न करने होंगे। इसमें द रजमानामा ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि रजमानामा जो है वो किसका अनुवाद है, तो वो महाभारत का अनुवाद है। एक द अकबरनामा, द जफरनामा, द आइन अकबरी, एक अनवर सुनहली। एक क्वेश्चन आपका जो है वो बनता है आपका अनवर सुनहली पर, उसमें पूछ लिया जाता है व्हाट इज ए अनवर सुनहली। अब अनवर सुनहली क्या है, अनवर सुनहली एक बुक ऑफ फेबल्स, आपका जस्ट आंसर इतना ही होना है, ए बुक ऑफ फेबल्स। अनवर सुनहली को पंचतंत्र का हिंदी अनुवाद भी बोला जाता है,
अय्यारे दानिश उसी की तरह आएगी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुगल आर्ट शो इट्स एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच मुगल एम्परर, तो कौन सा ऐसा राजा था जिस टाइम पे मुगल का एंड मिलता है, तो एंड मिलता है आपका औरंगजेब के टाइम पर। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि राजस्थान स्कूल का गोल्डन पीरियड कौन से सब स्कूल को बोला जाता है, तो स्टूडेंट्स ने अच्छा आंसर दिए हैं किशनगढ़ को। किशनगढ़ आपका जो है वो राजस्थान का गोल्डन पीरियड कहलाता है, पहाड़ी का गोल्डन पीरियड कांगड़ा कहलाता है, और मुगल स्कूल का गोल्डन पीरियड आपका अकबर का टाइम कहलाता है, अकबर स्कूल। अगर गोल्डन पीरियड पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे अकबर स्कूल। अच्छा, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से फेसेस इसमें आपके यूज़ हुए हैं, किस में भला, मुगल में। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि किसको एक चश्म कहा जाता है, किसको डेढ़ चश्म और सवा चश्म किसको कहा जाता है, तो जो मुगल में फेसेस जो डेपिक्ट हुए हैं वो डेढ़ चश्म में हुए हैं, जिसमें वन एंड अ हाफ आइज को पोर्ट्रेट में दिखाया गया है, उसको बोलते हैं डेढ़ चश्म। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, विच कलर्स वर यूज ड्यूरिंग मुगल पीरियड, कौन सा ऐसा कलर है जो मुगल पीरियड के टाइम पर यूज हुआ है मोस्टली, तो मोस्टली जो यूज हुआ है वो गोल्डन एंड सिल्वर कलर्स हुआ है यूज। मुस्लिम में ब्राइटनेस ज़्यादा पसंद करते हैं, और आपको लर्न करना भी इसलिए इजीली हो जाएगा कि गोल्डन और सिल्वर कलर वो ज़्यादा यूज़ करते हैं ड्रेस में, ज्वेलरी में, उनको मोस्टली गोल्डन और सिल्वर कलर ज़्यादा लाइक होता है उनके लिए। अच्छा, नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन है वो ऐसे भी पूछा जा सकता है, मैंशन द नेम्स ऑफ एनी फाइव पेंटर्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ अकबर, फ्रॉम द कोर्ट ऑफ जहांगीर, तो ये जो आंसर है आपको ये आपको ऐसे के अंदर से मिलेंगे। जो फाइव पेंटर्स अगर अकबर के पूछ लिए जाए तो अकबर की कोर्ट के ये नहीं है जो आर्टिस्ट है, अकबर की कोर्ट के आर्टिस्ट होंगे मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुल समद, बेहजाद, मनोहर, मिस्किन, ये आपके अकबर की कोर्ट के थे, जगन्नाथ। अब अगर जहांगीर की कोर्ट के पूछ लिए जाए तो जहांगीर की कोर्ट के फाइव अलग थे। जहांगीर की कोर्ट में कौन कौन फेमस था, उस्ताद मंसूर जो बर्ड पेंटर था, अबुल हसन वो एक एनिमल पेंटर था और पोर्ट्रेट भी बहुत अच्छे बनाता था, बिशन दास, भीम, दौलत, ये कोई भी फाइव नेम आप लिखेंगे। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, इंडिया में किसने कौन था फाउंडर मुगल शासन का, तो मुगल शासन का जो एम्परर था वो था बाबर। बाबर सबसे पहले आया था, जो तैमूर डायनेस्टी का था, बाबर के बाद में बाबर का बेटा हुमायूं। आपने एक ऐड सुना होगा पियर्स का, उसको अगर कोई ध्यान से एक बार सुन ले तो उसको पूरी जनरेशन याद हो जाएंगी इसकी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर तक याद हो गया। अकबर के बाद में आपको ये भी लर्न होगा कि अकबर का सलीम था, अब सलीम जहांगीर को बोला जाता था, तो अकबर का बेटा जहांगीर, अब जहांगीर का बेटा शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया था, शाहजहां के बाद में आपका आता है औरंगजेब जब मुगल्स का डिक्लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि मुगल स्कूल को डिफाइन कीजिए, अगर ये वेरी शॉर्ट में आ जाए डिफाइन मुगल स्कूल ऑफ आर्ट, तो आपको पूरा लेंथ लिखने की नीड नहीं है, अगर ये वेरी शॉर्ट में आया है तो आपको जस्ट इतना लिखना है, मुगल स्कूल ऑफ आर्ट इज द मिक्सचर ऑफ इंडियन एंड पर्शियन आर्ट, दैट्स इट, मुगल स्कूल इंडियन और पर्शियन आर्ट का मिक्सचर है, बस इतना आप लिखोगे तो आपका ये वेरी शॉर्ट का आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मुगल स्कूल ऑफ आर्ट, तो ये 15th century to 18th century, 1880 यहाँ तक आप लिख दोगे। कोई भी फाइव पेंटिंग्स नेम याद करोगे, एनी फाइव आर्टिस्ट नेम, और सब स्कूल नेम आपके किंग्स के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका आता है डेक्कन स्कूल, डेक्कन स्कूल में आपको फाइव पेंटिंग्स नेम दिए हुए हैं, आर्टिस्ट एक भी नहीं है, ये तो आपके लिए गुड न्यूज़ हो गई है, आर्टिस्ट इसमें एक भी नहीं याद करना आपको, सब स्कूल जरूर याद करने, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले पहाड़ी भी सब स्कूल के अकॉर्डिंग वो डेवलप हुआ था, ऐसे ही इसका डेक्कन का बताना है, अहमदनगर, बीजापुर, हैदराबाद, गोलकुंडा, ये सब आपके यहाँ की सिटीज़ हैं और उसी उसमें आर्ट वर्क हुआ है, तो वो आपका सब स्कूल बन गया। अब कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पर मैम लास्ट पेज पे सिर्फ फोर
दिए हुए हैं, फाइव नहीं है। अब अगर फाइव सब स्कूल पूछ ले जाएँ तो फाइव कौन सा लिखें, फिफ्थ कौन से वाला होना चाहिए? तो फिफ्थ आपका एक तंजोर भी है, तंजोर भी है आपका एक फिफ्थ, तो आप यहाँ पर अपने इसमें तंजोर को ऐड कर लोगे। ठीक है, तो फाइव कौन कौन से हो गए आपके? सब स्कूल अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, हैदराबाद एंड तंजोर, ये फाइव आप लर्न कर लोगे। इसमें आपसे अगर पीरियड पूछा जाए तो ये 1562 AD तक चला था। इसमें क्वेश्चन बनता है, द मैन्युस्क्रिप्ट्स निज़म उल उलूम कंटेन हाउ मैनी मिनीचर्स, तो कितनी मिनीचर्स हैं? ये अगर आपने एसे अगर ठीक से पढ़ा होगा तो एसे में ये दिया हुआ होता है, और इसका आंसर है 1876। ऐसे ही एक क्वेश्चन पहाड़ी में भी पूछा गया था कि कितनी फिगर्स हैं जो सॉरी इसमें राजस्थान में ये कितनी फिगर्स डिपिक्ट की गई हैं इस पेंटिंग में, तो 49 फिगर्स इसमें डिपिक्ट की गई थी। ये एक ये आंसर जो होते हैं, ये क्वेश्चंस जो होते हैं, ये आपके बुक के अंदर से आते हैं। वेरी शॉर्ट को ईजिली आपको 2 यूनिट्स ईजिली लर्न करने का एक तरीका बताती हूँ। 2 यूनिट्स में आपके सभी के मोस्टली सभी की तो कर्टेसी सेम है, द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली सबकी सेम है, बस एक पेंटिंग है जिसकी आपकी चेंज है, और वो कौन सी है? द फल्गुन ने बढ़ रहा है, फल्गुन ने बढ़ रहा है जो है वो सवाई मानसिंह की है जो जयपुर में है म्यूजियम, उसमें है द फाल्गुन वर्ड रेस्ट। अदरवाइज आपके जो 2 यूनिट के जो 4 चैप्टर्स है सभी की पेंटिंग्स आपके द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली कर्टेसी है, और मीडियम एंड टेक्निक, मीडियम और टेक्निक आपकी सेम है, मीडियम वाटर कलर, टेक्निक टेम्परा, तो मीडियम एंड टेक्निक कौन सी है? टेम्परा वाटर कलर, वाटर कलर टेम्परा, ये आप लिख सकते हो। ये आपके चार, ये जो चार चैप्टर हैं आपके 4 चैप्टर हैं, 2 यूनिट हैं, इनमें आपके यही टेक्निक यूज़ है। तो फ्रेंड्स आज हमने 2 चैप्टर्स क्लियर किए हैं वेरी शॉर्ट में, और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इससे रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर फाइन आर्ट्स से रिलेटेड भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, प्रैक्टिकल से भी रिलेटेड, तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल।